बेन स्टोक्स और चेन्नई सुपर किंग्स, ये कहानी शुरू होते ही खत्म हो गई। हाल ही में खबर आई थी कि बेन स्टोक्स बीच आईपीएल में ही चेन्नई सुपर किंग्स का साथ छोड़ देंगे। इसका मुख्य कारण बहुचर्चित एशेज है और उससे पहले इंग्लैंड को आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट खेलना है। आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज एशेज को मद्देनजर रखते हुए इंग्लैंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बस इसीलिए इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स अपनी आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का बीच में ही साथ छोड़ देंगे। सीएसके ने बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ की मोटी रकम पर बोली लगाकर खरीदा था। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स अगर फाइनल में पहुंच जाती है तो क्या बेन स्टोक्स इस सबसे बड़े मुकाबले में भाग लेंगे या नहीं। अब इस सवाल का जवाब खुद बेन स्टोक्स ने दे दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान स्टोक्स से पूछा गया कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में पहुंच जाती है तो क्या आप तब भी आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट खेलेंगे। इस पर स्टोक्स ने कहा, हाँ मैं खेलूंगा। उन्होंने कहा, मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि मैं अपने आप को स्वदेश लौटने और आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के लिए पर्याप्त समय दूं। इसके बाद स्टोक्स ने कहा कि वो अपने इंग्लैंड के साथियों की पसंद के बारे में कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि दूसरों के लिए कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हमें आयरलैंड टेस्ट के बाद एशेज में खेलना है, इसलिए मैं शायद खिलाड़ियों के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या वो एशेज के लिए तैयार रहना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।